खबरों की परतों को खंगाल कर उसे एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज लोकसभा के दूसरे चरण का रण समाप्त हुआ और इसके साथ ही दिग्गजों की तस्वीर भी ईवीएम में कैद हो गई है। इस दूसरे फेज के मतदान के लिए 542 में से 190 सीटों पर मतदान आज के बाद पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, इसके बारे में आज तो नहीं बात हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि इसके आधार पर कुछ एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मतदान प्रतिशत क्या रहा, किस तरह से क्या क्या मुद्दे हावी रहे और तीसरा चरण कहां जाता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट की न सिर्फ फैसले की, बल्कि कैसे इसे एक धारदार मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो खरी खोटी सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन तमाम लोगों के बारे में जिन्होंने ये पूरा चैप्टर शुरू किया था, अब उनको सनद रहनी पड़ेगी क्योंकि अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। फिर हम बात करेंगे तीसरे चरण के मतदान को लेकर, क्या नई स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। हमने अभी तक आपके सामने मिस्टर एनालाइजर में 3M 4M तक की बात की थी, लेकिन इस बार मोदी प्लस 5M की बात करेंगे साहब। जी हां, ये 5M फॉर्मूला क्या है इसे डिकोड करेंगे आपके लिए। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, व्हाट्सएप जिसका इस्तेमाल हम और आप ऐसे करते हैं मानो उसके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। अगर व्हाट्सएप बंद हो जाए तो लगता है जैसे कि सब कुछ थम गया है, क्या करें, मोबाइल में हाथ इधर उधर होने लगता है। व्हाट्सएप ने सरकार को धमकी दी है, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, व्हाट्सएप ने कहा कि अगर सरकार हमारा गला घोटेगी तो हम अपनी सर्विसेज भारत में बंद कर देंगे। इसका कितना बड़ा आप पर प्रभाव पड़ेगा या क्या ये धमकी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पर करेंगे चर्चा। तो ऐसे में आइए आज के इस मतदान के ऊपर जो बड़ी बात निकलती हुई दिखाई दी है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मतदान का प्रतिशत क्या रहा यह जानने की उत्सुकता हम सब में होती है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, 7 चरणों का मतदान होना है, लेकिन आज दूसरे फेज में एक राहत की सांस सभी राजनीतिक दलों ने ली है और वो ये कि पहले चरण के मतदान के मुकाबले अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, याद कीजिए 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान हुआ था उस दिन शाम 7-8 बजे तक जो आंकड़े सामने आए थे उसके मुकाबले आज दूसरे चरण के मतदान में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं साहब वो बहुत उत्साहवर्धक हैं। और वो इसलिए क्योंकि मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंताएं थोड़ी बहुत कम होती दिख रही है। तो 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 88 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। 6 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की किस्मत भी वायनाड से आज ईवीएम में लॉक हो गई है। 97 करोड़ मतदाता हमारे देश में, 98 करोड़ के आसपास, जिसमें से तकरीबन 16 करोड़ मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है 88 सीटों पर मतदान के साथ। इसमें कर्नाटक की सभी, माफ कीजिएगा, केरल की सभी सीटों पर, 20 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। कर्नाटक में 14 सीटों पर मतदान हुआ है, थर्ड फेज में फिर 14 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में सभी सीटों का मतदान खत्म हो चुका है, मध्य प्रदेश में मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ, बिहार, बंगाल, इन समेत 13 राज्यों में आज मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज अब आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में 60.56% वोटिंग दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश में 53.34%, मध्य प्रदेश में 55.44%, महाराष्ट्र में 53.71%, असम में 70.68%, बिहार में 54.17%, छत्तीसगढ़ में 72.51%, कर्नाटक में 64.57%, केरल में 65.1% और पश्चिम बंगाल में 71.84%। अब इसमें से जो यहां पर गौर करने वाली बात है, उत्तर प्रदेश 53.34%, मध्य प्रदेश 55.45%, महाराष्ट्र 53.71%, ये तीन राज्य सबसे पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ बिहार चौथा राज्य 54.17%। इन चार राज्यों में मतदान कम हुआ है, इन चार राज्यों में गर्मी भी जबरदस्त थी, लू चल रही थी, क्या गर्मी की वजह से मतदान कम हुआ है या कोई अन्य बात है, इसका एनालिसिस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस बार के मतदान के चरण में
कहां किसका क्या दांव पर लगा था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कहां कैसे खड़ा था। 88 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें अगर आज हम देखें तो एनडीए गठबंधन ने 2019 में 58 सीटें जीती थी, उनका वोट शेयर 50.6% था। यूपीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी 42.1% वोट शेयर के साथ 2019 में। अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी 7.34%। तो ये 2019 का आंकड़ा हम सबके लिए रेफरेंस पॉइंट के तौर पर है। इस बार के मतदान प्रतिशत के आधार पर यह तय होगा कि मतदान कितना बढ़ा है और उसका कितना फायदा अन्य राजनीतिक दलों को मिला है, किसका क्या दांव पर। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण फेस था। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का उतना खुद का स्टेक पर नहीं था, क्योंकि डीएमके बड़ा पार्टनर था। लेकिन केरल में 20 सीटों में यूडीएफ गठबंधन ने 19 सीटें 2019 में हासिल की थी। इस बार यही उम्मीद कांग्रेस को है कि इस बार फिर 19 सीटें हासिल होंगी। तमाम ओपिनियन पोल्स में भी यही बात निकल कर आई थी कि एक सीट ही एलडीएफ को मिल पाएगी, भारतीय जनता पार्टी यहां अपना खाता शायद नहीं खोल पाएगी, ऐसा ओपिनियन पोल्स का कहना था। जनता क्या तय करती है यह अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ऐसे में अगर इस फेज में कांग्रेस ने केरल में अपना प्रदर्शन अच्छा किया तो हो सकता है कि कर्नाटक में भी उन्हें सफलता मिले। कर्नाटक जहां पर राज्य सरकार कांग्रेस की है, 14 सीटों पर आज मतदान हुआ है, कांग्रेस के लिए यहां पर साख दांव पर है। क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता, क्या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया डीके शिवकुमार कांग्रेस में जान फूंक सकते हैं? क्या वहां पर कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार के परफॉर्मेंस को तोड़ते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है? यह महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कांग्रेस गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, जहां पर एक जमाने में कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, क्या वहां पर कांग्रेस लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर पा रही है? क्या एनसीपी शरद पवार लोगों को अपने ऊपर आकर्षित कर पा रही है? यह सोच कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ऊपर चलिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हारा जरूर था कांग्रेस ने, लेकिन वहां पर स्थानीय स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, वहां पर नेता अच्छे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार अपने जिंक्स को तोड़ पाएगी और अच्छा प्रदर्शन सामने रख पाएगी, ये देखना होगा। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। राजस्थान में तो कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की थी विधानसभा को लेकर, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि विधानसभा हार सकते हैं। लेकिन क्या लोकसभा में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर नहीं है? बिल्कुल है साहब, मध्य प्रदेश में वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए दांव पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर दांव पर समाजवादी पार्टी का है। लेकिन उसके बाद सीधे हम असम में चलेंगे, जहां पर इस बार कांग्रेस को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से वाइपआउट नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पे था। ठीक वही स्थिति हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। अब जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि एनडीए 400 पार और 370 पार भारतीय जनता पार्टी, इसे पाने के लिए अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी को सामने रखना पड़ेगा। 88 में से 58 सीटें अगर एनडीए ने हासिल की थी 2019 में, तो जाहिर सी बात है 58 से कम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको इसे लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसमें चुनौती कहां है? चुनौती केरल में है। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोल पाएगी? चुनौती कहां है? चुनौती कर्नाटक में है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले परफॉर्मेंस को रिपीट करने के साथ साथ एक या दो सीट और जीत सकती है, क्योंकि मार्जिन है वहां पर? महाराष्ट्र, क्या भारतीय जनता पार्टी का नया गठजोड़ वहां पर कमल खिलाता हुआ दिखाई देगा? उसके बाद मध्य प्रदेश, क्या उसको पूरी तरीके से रिटेन कर पाएंगे? राजस्थान, 100% परफॉर्मेंस देने वाली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने पकड़ों को मजबूत कर सकती है। उत्तर प्रदेश, 75 सीटों का लक्ष्य रखा है, क्या वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सामने आ सकते हैं? असम, सभी सीटों को जीत सकते हैं या फिर वहां पर कोई नुकसान होगा? नॉर्थ ईस्ट के तमाम सीट, और पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर मतदान हुआ है, उन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, उसे अब पास बाहर रख सकते हैं कि नहीं? यह बहुत बड़ा लक्ष्य है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो वोटर टर्नआउट है, अगर ये इसी तरीके से बढ़ा तो इसकी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार के परफॉर्मेंस को यहां पर बड़े पैमाने पर साबित कर सकती है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय दलों के लिए भी यह फेज बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वामपंथ दलों के लिए। वामपंथ दलों ने अगर केरल में अपनी वापसी नहीं की तो ऐसा लगता है कि उनका सफाया पूरे देश की राजनीति से हो सकता है। सीपीएम नेशनल पार्टी के अपने दर्जे को खो देगी अगर इस बार उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है तो।
यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है वामपंथ राजनीति के लिए। खत्म हो सकती है इस चुनाव के साथ ही वामपंथ की राजनीति, तो एक हम आपकी इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप टीएमसी के लिए देखें तो यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है साहब। टीएमसी ने अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी बढ़त नहीं बनाई और नॉर्थ बंगाल को क्रैक नहीं किया, दार्जिलिंग की सीट को क्रैक नहीं किया, तो दिक्कत होगी ममता बनर्जी। वही हाल आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। अखिलेश यादव के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सीटें हासिल करने में दिक्कतें आई तो यहां पर फिर उसके बाद अगले चरणों में अखिलेश यादव को बहुत मुश्किल आती हुई दिखाई देगी। तो यह क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए महाराष्ट्र में है जैसे कि अजीत पवार का गुट जो कि एनसीपी का है, शिंदे ग्रुप शिवसेना का, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का। क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मराठा सेंटिमेंट को अपनी तरफ ला पाती है या नहीं ला पाती है? तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो चरण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। दूसरे चरण के इस मतदान में 88 सीटों में से 54 सीटें ऐसी हैं जिस पर हर किसी की निगाहें हैं। तो क्या है ये सीटें? पिछले तीन लोकसभा चुनाव में 88 सीटों में से 34 सीटों पर एक ही पार्टी का कब्जा रहा है और वो पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। 54 सीटों पर सियासी मिजाज अगर बदलता है तो फिर यहां पर दिक्कत आ सकती है। 34 सीटों में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पास रखी थी। कांग्रेस ने यहां पर 8 सीटों को जीता 3 बार और अन्य दलों के हिस्से में 7 सीटें आई 3 बार। 2009 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर लगातार जीतती आई है। भारतीय जनता पार्टी को अब इन सीटों पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब आइए आपके सामने कुछ ऐसी सीटें प्रस्तुत करते हैं जो एक तो वीआईपी रही और साथ ही मुश्किल सीटें भी रही। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी राहुल गांधी की सीट वायनाड से। राहुल गांधी को इस बार मुकाबला एलडीएफ से मिलता हुआ दिखाई दिया। एनी राजा ने यहां पर एक अच्छा मुकाबला लड़ा, लेकिन क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता, उनका राष्ट्रीय स्टेटस और उसके साथ साथ कांग्रेस की बढ़ती उम्मीदों को लेकर वायनाड उन्हें वापस भेजेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम 4 तारीख को ढूंढेंगे। तिरुवनंतपुरम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी जीत हासिल की तो बहुत बड़ी बात होगी। शशि थरूर की हार उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। यहां पर देखना पड़ेगा, शशि थरूर के मुकाबले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर है। पूर्णिया बिहार, यहां पर यह हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के मुकाबला तो कड़ा था ही, लेकिन बीच में एक्स फैक्टर यानी कि पप्पू यादव आ गए। यहां पर कांग्रेस की तरफ से अपनी उम्मीदवारी सामने रखना चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव किसका समीकरण खराब करेंगे यह देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के बागपत सीट की बात करें, यहां पर आरएलडी का गढ़ माना जाता है। आरएलडी के उम्मीदवार यहां पर हैं जो कि अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन बागपत में एक बात निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में समन्वय ठीक तरीके से नहीं बैठ पा रहा। उसके बाद अमरोहा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस में अभी ही हालिया ज्वाइन किए हुए दानिश अली क्या बीएसपी के अपने वोट बैंक को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर से मुकाबला कर पाएंगे? यहां पर 42% मुसलमान वोटर्स हैं, तो क्या इस बार मुस्लिम वोट कार्ड यहां पर चलेगा? मेरठ, टीवी सीरियल रामायण के अभिनेता राम के तौर पर अरुण गोविल यहां पर मैदान में हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट को हारा था, लेकिन जातीय समीकरण के ऊपर क्या हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा और प्रभु राम के किरदार को निभाने वाले व्यक्ति इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर इस सीट को उनकी झोली में डालते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिर बेंगलुरु दक्षिण की बात करते हैं, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का मुकाबला है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उम्मीदवारी पर हैं, उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बातें बहुत थी, लेकिन अगर तेजस्वी सूर्या अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं तो कर्नाटक में एक नई सियासत की पारी आपको देखने को मिल सकती है। और उनके मुकाबले कर्नाटक के परिवहन मंत्री की बेटी हैं, चुनौती दे रही है, मामला फंसा हुआ है यहां पर। मांड्या, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यहां पर एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं, जेडीएस का गठबंधन है। अगर इस चुनाव में जेडीएस ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रखा तो जेडीएस के लिए यह आखिरी चुनाव होगा क्योंकि वोकलिगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जेडीएस के लिए ये चुनौती का मामला है। मध्य प्रदेश की सतना सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। चौथी बार उम्मीदवार बने हैं, 3 बार जीत चुके हैं और इस बार उनके लिए काफी मुश्किलें इसलिए आ रही हैं क्योंकि सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को इस बार मौका दिया गया है कांग्रेस की तरफ से।
और बीएसपी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है सतना में, इसलिए बीएसपी भी यहां पर अपने फैक्टर के तौर पर शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सतना की सीट फंसी मानी जा रही है, लेकिन अगर ये बीजेपी को डिलीवर होती है तो इसमें नेचुरली प्लस पॉइंट बीजेपी का है। और फिर जम्मू की बात करते हैं, भाई साहब जिस तरीके से यहां पर मतदान इस बार हुआ और मतदान प्रतिशत है, यह बताता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सीट देखी जा रही थी और जम्मू कश्मीर के सभी सीटों पर अब जो मतदान होने वाले हैं उसको लेकर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो हमने आपके सामने टफ कॉन्टेस्टेंट सीट्स देखी थी उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव अपने आप में एक अच्छा मुकाबला बनता जा रहा है। इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपने बेस्ट फुट फॉरवर्ड को रखते दिखाई दे रहे हैं और जनता बड़े पैमाने पर अपने उत्साह को सामने दिखा रही है लोकतंत्र के इस बड़े जुलूस में हिस्सा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्ष के नेता भी बड़े पैमाने पर अपने कैंपेनिंग को धार दे रहे हैं और अब लग रहा है कि देश में मतदान की प्रक्रिया चल रही है और वो इसलिए क्योंकि अब पारा जरा गर्म है और तभी आप इस बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि लोगों का टर्नआउट बाहर निकल रहा है और उसके साथ साथ ये भी बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अब तीसरे चौथे पांचवें और सातवें चरण में चुनाव का फ्लेवर और कलेवर अलग होगा। अभी आगे हम इसी बुलेटिन में चर्चा करेंगे तीसरे फेज की, इसलिए आप हमारे साथ देखते रहिएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इस खबर के लिए हमें पूरा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच ईवीएम पर सवाल उठाती याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कई सारी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की, बहुत लंबी और गहन सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर पूरे देश को गुमराह करने की कई कोशिशें की। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सिस्टम में दखल बेवजह मत दीजिए, शक पैदा मत कराइए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि देश की लोकतांत्रिक परिपाटी और प्रक्रिया पर इस तरीके से सवाल उठाकर लोगों के मन में संशय पैदा करने वाले लोग देश को अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के पीआईएल फाइल करके लोग के मन में, आम जनता के मन में, जब संभ्रांत जाने पहचाने और पढ़े लिखे लोग संशय पैदा करते हैं तो क्या इसे लोकतंत्र के खिलाफ की गई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं मानी जाए? 56 पेज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लगना चाहिए। गौर कीजिएगा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लगना चाहिए। आगे चलकर जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहती रहेगी और इस पर आप सवाल खड़े मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की नियत पर भी सवाल खड़े किए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर आपको बता रहा हूं साहब। कुछ निहित स्वार्थी तत्व देश की उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने ये उपलब्धियां नागरिकों की कड़ी मेहनत, ईमानदार प्रयास के दम पर हासिल की हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की नियत पर शक है। याचिकाकर्ता की मांग समझ के परे है। बैलेट पेपर से फिर से मतदान कराने का कोई सवाल नहीं उठता। मैं एक बार फिर से कुछ बातें रिपीट करता हूं साहब और इसको गौर कीजिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। कुछ निहित स्वार्थी तत्व देश की उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। निहित स्वार्थिक तत्व, याद रखिएगा इस शब्द को। देश ने यह उपलब्धियां नागरिकों की कड़ी मेहनत और ईमानदार प्रयास के दम पर हासिल की है। इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की नियत पर शक है। समझ गए ना आप, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह बात जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में सामने रखी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने और भी बड़ी बातें कही हैं जो मैं उनको कोट कर रहा हूं। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम फैसला किसी सिस्टम पर, आंख मूंद पर,
अंधविश्वास करने से संदेह पैदा करने के बराबर है। सार्थक आलोचना आवश्यक है, कोट सार्थक आलोचना आवश्यक है, चाहे वह न्यायपालिका की हो, विधायिका की हो या चुनाव आयोग की। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। ये बात इसलिए कही गई कि शक पैदा करके, लोगों के दिमाग में खला डालकर पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर आप डिरेल करते हैं तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये शब्द मेरे हैं, ये कोर्ट के शब्द नहीं। ये मेरा मानना है कि हम जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत अगर लोकतांत्रिक परंपराओं पर सिर्फ सवाल उठाते रहे बिना किसी सबूत के, तो क्या हम देशद्रोह नहीं कर रहे? क्या हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? ये सवाल उठता है सर, और इन सभी लोगों को सोचना चाहिए। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे फैसले को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार अपनी चुनावी सभा में शुरू कर दिया, और यही उनकी बड़ी खूबी है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जहां पर जो वो कहते हैं उससे परे अगर कोई बात बार बार कही जा रही हो और वो झूठी साबित होती है तो फिर वो सामने मैदान में आके कहते हैं कि हम पहले से कह रहे थे कि सच क्या है, आप हम पर भरोसा कीजिए। और यही वजह है कि लोग भरोसा करते हैं। बिहार के अररिया की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि मत पेटियों को लूटने वालों को आज करारा जवाब मिला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अभी भी वो परेशान है, और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। सरकार ने बीते 10 साल यही बातें सामने रखी थी कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं। चुनाव आयोग ने भी हर तरीके से सभी राजनीतिक दल को यह समझाने की कोशिश की, तमाम स्वयंसेवी संस्थानों यहां तक के वकीलों को भी समझाने की कोशिश की गई थी कि ईवीएम और वीवीपैट में कोई गड़बड़ी नहीं है साहब, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग तो अपनी जीविका ही पीआईएल पर रखते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोगों ने इस तरह के पीआईएल दखल कर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को उछाला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा, अब जरा विस्तार से आपके साथ। अदालत ने 24 अप्रैल को करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद मामले को सुरक्षित रखा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस पर सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम वीवीपैट पर्ची के 100% मिलान की जो मांग की जा रही है वो अपने आप में सही नहीं है, इस मांग को उन्होंने खारिज किया। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जो पीआईएल और उसके साथ साथ कई और अर्जियों में की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची लेने और उसे मत पेटी में जमा कराने की मांग को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह बात कहां से आई कि मतदाता वीवीपैट के पर्ची हाथ में ले, इसका भी मैं आपको ओरिजिन समझाता हूं। बहुत सारे लोगों ने इस बात का दुष्प्रचार किया कि ईवीएम से जुड़े वीवीपैट में जो शीशा होता है जिसके अंदर वो पर्ची आपको दिखाई देती है वो काले रंग का होता है साथ, उसके अंदर दिखाई नहीं देता, यह अफवाह फैलाई गई। आज मैं खुद मतदान करके आ रहा हूं, ये देखिए मतदान करके आ रहा हूं, मैंने खुद देखा वहां पर, 2019 में भी देखा था, उसके पहले भी देखा था, लेकिन मैंने खुद देखा वहां पर पूरी लाइट होती है, उसमें एक बत्ती जलती है, जबरदस्त बीप आता है और वीवीपैट पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या मतदान किया है। इस तरह की अनर्गलल बातों को लोगों तक पहुंचाकर जनता में असंतोष फैलाना एनार्किज्म, एनार्की, अराजकता को ही देश में लागू करने के बराबर है।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्देश भी चुनाव आयोग को दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी, 45 दिनों तक, और अगर नतीजे के डिक्लेयर होने के 7 दिन के भीतर शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो जांच होगी वो उम्मीदवार उसके खर्चे का वहन करेगा। बिल्कुल सही बात है, आपको शक है दोबारा री एग्जामिन कराइए। सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूनिट को सील कर दिया जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखी गई। सील की गई जो है सिंगल लैंडिंग उसको 45 दिनों तक स्टोर रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। रिजल्ट की घोषणा के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर आए कैंडिडेट अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, 7 दिनों के भीतर रिकैलकुलेशन करा सकते हैं और इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर्स की टीम करेगी और शिकायत के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च जो है वो कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खर्च जो है उसको वापस कर दिया जाएगा और जाहिर सी बात है वहां पर री इलेक्शन होगा। देखिए, इससे बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है, वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को कोई शक नहीं रह जाना चाहिए, अब तमाम पुराने सवालों को खत्म किया जाना चाहिए। सवालों से वोटर के मन में शक पैदा होता है, चुनाव सुधार भविष्य में भी जारी रहेगा, यह स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े 5 सवाल पूछे थे, अब वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। कंट्रोलर यूनिट या वीवीपैट में क्या माइक्रो कंट्रोलर स्थापित है? माइक्रो कंट्रोलर क्या एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है? ईवीएम में कितनी सिंबल लैंडिंग यूनिट्स उपलब्ध हैं? चुनाव आयोग जो है चुनाव के बाद ईवीएम को कितने दिनों तक सुरक्षित रखता है? कंट्रोलर यूनिट और वीवीपैट दोनों पर सील होता है या नहीं होता है? देखिए, कोर्ट ने बहुत ही जबरदस्त और बारीकी से, जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम अ टूथ कॉम, इस पूरे मामले को देखा और परखा है। अब इस पर कहीं कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत दूसरे लोगों की इस पूरी याचिका पर अब एक तरह से पूर्ण विराम लग गया है। कई विदेशी संस्थाओं का एग्जाम्पल दिया गया, कहा गया था कि जर्मनी में जी ऐसा होता है, यहां वैसा होता है। प्रशांत भूषण ने दलील दी थी कि वीवीपैट की जो स्लिप है उसको अलग बैलेट बॉक्स में डलवाइए और उसके बाद उसकी काउंटिंग कराइए। इस तरह की तमाम दलीलों को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब वही पुरानी व्यवस्था जारी है जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। वीवीपैट को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के 2% बूथ पर ईवीएम वीवीपैट का मिलान अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसका असर दिखा है। चुनाव आयोग ने आदेश को मानते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीन को मिलान के लिए लगाया। 2019 में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र थे पूरे देश भर में, उसके आधार पर 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों का वीवीपैट मैच किया गया और उसमें नगण्य, बहुत ही नगण्य बेमोल बातें सामने निकल कर आई। इसलिए अब इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को रेस्ट करना चाहिए और अब कम से कम विपक्ष या किसी और भी पार्टी को इस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब अगर आप लगातार सवाल उठाते रहेंगे और अपनी हार का ठीकड़ा ईवीएम पर डालते रहेंगे तो जाहिर सी बात है अब इस पर बात बनती नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट फैसले और सीधे तौर पर बातों को अब किसी और तरीके से प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। मसलन, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी रखी गई थी उसमें कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, किसी भी ईवीएम को हैक नहीं किया गया था, किसी भी ईवीएम को रीप्रोग्राम कर दिखाया जाए ऐसा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, और जो भी सर्वे थे वो 20-25,000 लोगों के ऊपर किए गए प्राइवेट सर्वे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सबूत लाइए, साथ सबूत ले आइए और उसके आधार पर आप कहिए हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पर, सिर्फ कहा सुनी सुनते हुए आप क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर सकते हैं? कल तो फिर यही हाल सुप्रीम कोर्ट का होगा।
हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तरह तरह की बातें होंगी और सुप्रीम कोर्ट को दोबारा जबरदस्ती जबरन कहा जाएगा कि आप अपने फैसले को रिविजिट कीजिए। एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर इस तरह का आक्षेप करके आप चीजों को खराब ही कर रहे हैं। आइए आज की तीसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दो फेज के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे फेज के बीच में करीबन 10 दिन का गैप है और ये 10 दिन हमारे चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि 12 राज्यों में 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी के साथ अब चुनाव मैदान में सामने हैं। इस फेज में जाने से पहले क्या आपको अब चुनाव अभियान एक नए अंदाज एक नए कलेवर में दिखाई देगा? आपको याद होगा 19 तारीख को अपने इसी शो में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ही दूसरे चरण के मतदान के लिए अपना गियर बदल दिया था साहब। और 3M फैक्टर जो बहुत पॉपुलर था उसको आगे बढ़ाते हुए 4M फैक्टर पर चले गए थे। तो हमने वो 3M फैक्टर क्या आपके सामने रखा था? पहले चरण के मतदान में 3M फैक्टर था मटन मछली और मुगल। इन तीन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश की थी और इस पर पूरा ओवरऑल जामा था विकास का। जो कहा वो किया, जो कहा है वो करके देंगे, मोदी की गारंटी। ये 3M था, यानी हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए 3M और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को एक प्रसार के तौर पर आपके सामने रखा। जब दूसरे चरण में पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को ही अपना गियर चेंज कर दिया और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पकड़ा और वहां से बातें निकालनी शुरू की और कांग्रेस पर प्रहार शुरू किया। यहां आया 4M फैक्टर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो एम, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री एम, मंगलसूत्र तीसरा एम और मुसलमान चौथा एम। ये चारों मुद्दे दूसरे चरण में बहुत हावी रहे। आपने देखा किस तरह से जबरदस्त बयानबाजी हुई और इसके आधार पर सैम पित्रोदा ने आग में घी डालने का काम किया। सैम पित्रोदा ने जब यह कह दिया कि हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए जैसा कि अमेरिका में होता है और चूंकि मैं अमेरिकी नागरिक हूं इसलिए इस पर विचार होना चाहिए कि क्या भारत में भी विरासत कर लगना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। बस इस मुद्दे को लपकते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष की जो हवा खोली वो देखने लायक था। कांग्रेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के जुमले को जिस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स के साथ जोड़ा गया ये एक नया प्रचार का माध्यम बना और इसके आधार पर चीजें आगे बढ़ती गईं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें नया क्या है? नया आज से शुरू हो गया साहब, आज से नहीं यानी कि कल से ही शुरू हो गया है। एक और फैक्टर जुड़ गया है। अभी तक हमने आपसे क्या कहा था? चार फैक्टर हैं, चार फैक्टर में मैनिफेस्टो, मनमोहन सिंह, मंगलसूत्र, मुसलमान, पांचवा फैक्टर मनी। आप कहेंगे पैसा क्या है? आपने गौर नहीं किया होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में इस बारे में कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान से जो राजस्व एकत्रित किया जा रहा है, जो कि सरकार के पास जमा है, जो काला धन है, जो भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित किया हुआ धन है वो सरकार के पास है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसे जनता के बीच बांट दिया जाए। मनी, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो आपके सामने हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या कहा। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा।
तो आप देख रहे हैं तीसरे चरण के लिए भ्रष्टाचार और विपक्षी सरकारों को और विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेर रहे हैं, और यहां पर मनी फैक्टर काम आता है। देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि देश के सभी संसाधनों पर देशवासियों का हक है, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनका ज्यादा हक बनता है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है, और उसमें से भी जो बहुत ही अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं उनके लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से दूसरे चरण में इस्तेमाल किया, इसके लिए मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से तीसरे चरण में इस्तेमाल कर रहे हैं यह आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री जब यह कह रहे हैं कि मोदी जल्दी काम कर रहा है, सोच रहा है कैसे उस पैसे को वापस जनता के पास दिया जाए जो कि भ्रष्टाचारियों से सरकार निकाल कर ला रही है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यहां भी हो रही है, लेकिन इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जुड़ जाती है, जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, सोच लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसकर एकत्रित की, अब इस 50,000 करोड़ को जनता के बीच पहुंचाने का कोई और मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ले आए तो ये पैसे आपके पास पहुंचेंगे, आपकी जेब गर्म होगी, आपको अच्छा लगेगा, इट्स अ फील गुड फैक्टर सर। जाहिर सी बात है, जब ये फील गुड फैक्टर की उम्मीद आपके पास होगी तो आप मतदान किसको करेंगे। इसको कहते हैं क्लेवर इलेक्शन मैनेजमेंट, कैसे एक आइडिया को आपके दिमाग में रखा जाए और उस आइडिया के आधार पर आपको बताया जाए कि देखिए हम आपके लिए यह भी कर सकते हैं। यह आधार बताता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम फेज 3 में जा चुकी है, एक बार फिर गियर बदला गया है और एक बार फिर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और बताया जा रहा है कि देखिए हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनको नकेल कस के उन्हें हम उन्होंने आपके जो पैसे छीने उन पैसों को हम आपसे उनसे लेने वाले हैं, और जब उनसे लेंगे तो ये पैसे हम आपको देंगे, ये पैसे हम इकोनॉमी में डालेंगे, इस पैसे से देश में तरक्की होगी। यानी कि उम्मीद की किरण है, पॉजिटिविटी है, और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अगला एम फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि तीसरे चरण के जो मतदान होने वाले हैं उसमें असम में 4 सीटें होंगी जिस पर मतदान होगा और असम का चुनाव खत्म हो जाएगा, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 8 सीटें, उसके बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव खत्म, गोवा की सभी सीटों पर चुनाव खत्म, गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव होंगे और खत्म, कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव होगा और कर्नाटक के चुनाव खत्म हो जाएंगे, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और बंगाल की 4 सीटों पर मतदान होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगले चरण तक ऑलमोस्ट आधे भारत में चुनाव की प्रक्रिया लगभग खत्म होती हुई दिखाई देगी, और ये तीसरे चरण का मतदान देश को एक नई जागरूकता भी देगा, और इसमें खास करके हमें यहाँ पर जिक्र करना चाहिए गुजरात का, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों की साख होगी, 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 14 और 19 दोनों में जीती हैं, इस बार भी उनकी उम्मीद यही होगी, और इसका खुलासा अभी से हो चुका है क्योंकि एक सीट तो पहले ही जीत चुके हैं सूरत की बिना किसी बात के, तो जाहिर सी बात है अब 25 सीटों पर दाव है और यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई देगी। आइए आज की आखिरी स्टोरी अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो आपके संचार से जुड़ी है, व्हाट्सएप। जरा सोचिए, व्हाट्सएप अगर बंद हो जाए तो आपके लिए कितनी दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा ना, आदत हो गई है, कहीं भी बैठिए किसी से भी संपर्क साधना है, बिना फोन किए बिना किसी घंटी के मैसेज टाइप कीजिए फटाफट पहुंच जाए, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट डाल दीजिए चला जाता है, हजारों लोगों से अपने संपर्क साधिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन नए आईटी नियम जो सरकार ने बनाए हैं, जिसके तहत सरकार ने ये कोशिश की है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, इंटरनेशनल बिग कंपनीज, बिग फोर, ये भारत का और भारतीय लोगों का डेटा विदेश न ले जा सके, इसके लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के आधार पर कार्रवाई की है। इसे लेकर व्हाट्सएप या यूं कहें कि मेटा ग्रुप दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जिरह के दौरान
यह बात साफ तौर पर कही कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहेगी और बात नहीं बनेगी तो हम भारत में अपने धंधे को बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है यह चेतावनी भी है और उसके साथ साथ ब्लैकमेल भी। व्हाट्सएप का कहना है कि प्रिवेसी का ख्याल रखते हुए दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है, कॉल, व्हाट्सएप कॉल या फिर टेक्स्ट, इसे एंड टू एंड यूजर के लिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी तीसरा व्यक्ति इस सिस्टम को हैक कर इस जानकारी को आपसे चुरा नहीं सकता, और वो तीसरा पक्ष सरकार भी है। सरकार भी अगर चाहे तो व्हाट्सएप या इस तरह के तमाम जो कम्युनिकेशन माध्यम हैं, इन माध्यमों से आपकी बात, आपकी जानकारी नहीं ले सकती, जब तक कि सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि आप गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसे लेकर 2021 में आईटी नियम जो बनाए गए थे उस पर कई तरीके की बातें रखी गई थी, जिसमें सरकार ने यह कहा था कि उसे यह अधिकार होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित को लेकर वो जिन जिन लोगों के बीच बातचीत है उन्हें मंगाना चाहे तो व्हाट्सएप उस पर इंक्रिप्शन न रखे और दे दे। ऐसे में व्हाट्सएप ने कोर्ट में क्या कहा? व्हाट्सएप ने कहा कि आईटी नियम 2021 यूजर की प्रिवेसी को कमजोर करता है। भारतीय संविधान की धारा 14, 19 और 21 के तहत हर भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो अपनी निजता का अधिकार रखे, और इसका आईटी एक्ट उल्लंघन करता है। दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार ने बिना मशवरा किए ऐसे नियम बनाए हैं जिससे मेटा और व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स का डेटा भारत सरकार खुद अपने पास स्टोर कर रखना चाहती है। ऐसे में सरकार ने दलील क्या दी है? सरकार ने कहा है कि मैसेज को ट्रेस करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर देश में अराजकता पैदा करना चाहता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मैसेज को ट्रेस करने की सुविधा होनी चाहिए। फर्जी मैसेज बनाकर जो लोग भ्रमात्मक संदेश भेजते हैं उसके सोर्स का पता लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ भारत जैसे संवेदनशील देश में जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार पर है, वहां पर अगर व्हाट्सएप या इस तरह के माध्यम के जरिए अफवाह फैलाई जाए और अफवाह के जरिए हिंसा पैदा की जाए, तो इसलिए सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह के फर्जी मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। इंटरनेट ओपन है, इंटरनेट सेफ है, भरोसेमंद होना चाहिए, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म को यूजर्स के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। गोपनीयता के आधार पर कंपनी जानकारी सरकार से नहीं छिपा सकती, और सरकार ने यह भी कहा है कि मेटा जैसी कंपनियां यूजर्स के डेटा बाहर नहीं भेज सकते। ऐसे में इस पूरे आधार पर जो नियम बनाए वो क्या है? नियम यह है आईटी एक्ट 2021 कि बिग टेक कंपनी के लिए भारत में उनको अपने सर्वर्स को रखना पड़ेगा, भारत सरकार के सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब भी भारत सरकार आदेश पारित करे उचित अधिकारियों के द्वारा या उचित चैनल्स के द्वारा जो डेटा मांगा जाए उसे दिया जाए, और सभी इन प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा जिसे ग्रीवेंस अधिकारी कहा जा सकता है, जिसके सामने ये मांगे रखी जा सकती हैं। लेकिन व्हाट्सएप अब इस बात को लेकर टेंशन तैयार कर रहा है और बार बार कह रहा है कि हम मैसेज को डिकोड नहीं करेंगे, आपके लिए हम एनक्रिप्शन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉमिस यही है, ब्रांड प्रॉमिस यही है। व्हाट्सएप ने आपसे क्या कहा? व्हाट्सएप ने कहा आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए, आपकी बातचीत प्राइवेट रहेगी, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा, इसलिए इसका विस्तार इतने बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि आपकी बातचीत पर कहीं कोई दखल नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई उसे इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, कोई उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाट्सएप और मेटा कंपनी के बुनियाद को सरकार की ये मांग हिलाती है, और इसलिए व्हाट्सएप धमकी दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार व्हाट्सएप की धमकी के आगे झुकेगी? क्या उसे झुकना चाहिए? क्या राष्ट्रहित के सामने व्हाट्सएप या तमाम अन्य कंपनी को भारत सरकार की इन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है? इसलिए इस सवाल को मैं आपके सामने छोड़ जाता हूं, क्योंकि इस पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, यह मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन राय तो आप बना सकते हैं।